ये टूटी सी बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, यही है वो स्थान जहां महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ। इस समय मैं बैठा हुआ हूं उस स्थान पर जहां राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम और उनके तीन अन्य भाइयों के लिए यज्ञ किया था, और उसी यज्ञ से प्राप्त प्रसाद से उन सबका जन्म हुआ था या प्राकट्य हुआ था। हमसे बात करने के लिए यहाँ के महंत पंडित लाल सूरज लाल पांडे जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इस स्थान की महिमा के बारे में जानेंगे। पांडे जी बताएं, यहाँ का क्या महात्म्य है? यहाँ राजा दशरथ महाराज यज्ञ किए थे राम के जन्म के लिए, चार पुत्र पाए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये काले मूछ वाले जो बैठे मुकुट लगाए महाराज दशरथ जी हैं, बगल में गुरु वशिष्ठ महाराज सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, सिंगी ऋषि महाराज जो यज्ञ कराए, ये दुर्वासा ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त मुनि हैं। यज्ञ होने लगा, बीच में अग्निदेव भगवान खीर प्रसाद लेकर प्रकट हुए, तीनों रानी खीर खाए, कौशल्या के एकैक सुमित्रा, तब चारों भाई जन्म हुआ, कौशल्या के राम, केकई के भरत, सुमित्रा दो भाग खाए, शत्रुघ्न लक्ष्मण दो पुत्र हुए, ऊपर में राम लक्ष्मण, नीचे भरत शत्रुघ्न, माता सीता जी हैं, बगल में हनुमान जी महाराज। तो आप इस पूरे स्थान के महात्म को समझ गए होंगे कि राजा दशरथ और बहुत सारे ऋषि यहाँ बैठे हैं जिन सब लोगों ने मिलकर यहाँ हवन किया था, अग्निदेव भी हैं जिन्होंने प्रसाद के रूप में खीर दी थी। इस जब भी आप अयोध्या आते हैं, राम जन्मभूमि की बहुत दूर नहीं है ये, राम जन्मभूमि जब हम जाते हैं हनुमानगढ़ी से तो रास्ते में ही मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक और धार्मिक दृश्य, तो यहाँ आना कतई न भूले। ये दशरथ महल है, यहाँ महाराज दशरथ निवास किया करते थे। देखिए पूरा दृश्य। मैं इस समय बैठा हुआ हूँ प्रभु श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के महल में। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है उस बात को, लगभग 7000 पहले प्रभु श्री राम इस दुनिया में थे, ये महल उसके पहले का रहा होगा। इसका सौंदर्य यदि आप देखेंगे तो आज भी इसकी चमक दमक और सौंदर्य हमें मोहित कर लेता है, और उस समय जब राजा दशरथ यहाँ के राजा हुआ करते होंगे तो ये अपने आप में एक अद्वितीय स्थान रहा होगा। अब दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका बचपन बीता होगा। यही कहीं वो स्थान रहा होगा जहाँ प्रभु श्री राम के चरण दिन में कई बार पड़ते रहे होंगे।